नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 सप्ताह बाद में आज बिटकॉइन के लिए पहली बार एक बहुत बड़ी पॉजिटिव उम्मीद देखने को मिली है और बहुत सारी और भी पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इन सारी चीजों के बीच में यहां पर अभी भी एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही में यहां पर 14 और 15 जून बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट के लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसको लेकर बात करेंगे। यहां पर आपको कब ट्रेड लेना है और इस हफ्ता यहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, ये सारी बातें करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आपने किसी भी क्रिप्टो को होल्ड कर रखा है ऐसे में। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा और उसके साथ में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक सेकंड का आपका समय देकर इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें पूरे क्रिप्टो मार्केट की प्रेजेंट स्थिति को लेकर, तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखिए फियर और ग्रीडी इंडेक्स अभी प्रेजेंट टाइम पर 13 के आसपास चल रहा है और ऐसा फ्रेंड्स यहां पर बहुत दिनों के बाद में देखने को मिला है। अभी यहां पर लास्ट वीक यह 10 के आसपास चल रहा था, यहां पर देख सकते हैं अभी भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फियर है और यहां पर येस्टरडे भी मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फियर था, लास्ट वीक भी एक्सट्रीम फियर था। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर कुछ स्थिति बदली है, पॉजिटिव हमारे को सारी चीजें को मिली है। और देखिए उससे के साथ में बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पिछले 24 घंटे में यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 5% के आसपास एक बहुत बड़ा अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन की प्राइस जा पहुंची है $31,246 के आसपास। इथेरियम की प्राइस के अंदर भी बहुत अच्छा खासा पंप देखने को मिला है। बात करें बिटकॉइन की डोमिनेंस को लेकर, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमारे को कुछ इस तरह से बढ़ते हुए देखने को मिली और यहां पर इस तरह से एक बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिली। हमने लास्ट वीक आपको इसका अपडेट दिया था, तब उस टाइम पर इसको यहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा था और देखिए यहां पर ठीक जैसा अपने को देखने को मिला वैसा ही अपने को यहां पर फिर से देखने को मिला और इस तरह से बिटकॉइन की डोमिनेंस एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर इस तरह से सपोर्ट लेते हुए बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो आपको यह कैंडल देखने को मिली है, एग्जैक्ट वही कैंडल आपको अब यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे में बिटकॉइन की डोमिनेंस को 47.71% के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिलने वाला है और 8% बिटकॉइन की डोमिनेंस यहां पर चल रही है 47.22% के आसपास। तो फ्रेंड्स इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम पर मैंने बिटकॉइन का 1 वीक के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन कर रखा है और यहां से नेक्स्ट क्या होने वाला है और अभी पॉजिटिव क्या देखने को मिल रहा है उसको लेकर सबसे पहले बात करते हैं। फ्रेंड्स यहां पर देखिए, जब से बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ रही है तब से फ्रेंड्स यहां पर बिटकॉइन के लिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर अपने को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स मैंने आपको इसके बारे में अपडेट दिया था कि इन्हीं 9 कैंडल्स के बाद में हमें कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल जरूर देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स सबसे पॉजिटिव बात यही है कि यहां पर अपने को ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। अब फ्रेंड्स यहां पर यह तो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन उसी के साथ में यहां पर एक जो दिक्कत की बात है वो फ्रेंड्स यहां पर यह कैंडल जो क्लोज हुई है वो है। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको एक कैंडल यह देखने को मिल रही होगी और एक कैंडल आपको यह देखने को मिल रही होगी, ये दोनों की दोनों कैंडल है 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। अब फ्रेंड्स यह कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, अगर यह ग्रीन कैंडल अपने को इस कैंडल से ऊपर और इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहां कहीं कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिलती तो यह एक और बहुत बड़ी पॉजिटिव बात होती। लेकिन फ्रेंड्स यह एक थोड़ी सी समस्या है। समस्या है इसका मतलब है यह मार्केट को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं करती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको जो बता रहा हूं उसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, इस वीक जो कैंडल क्लोज होगी वो फ्रेंड्स यहां पर इस कैंडल, ठीक है, और इस कैंडल के बीच में क्लोज होनी चाहिए यहां कहीं। तो ऐसे में यहां पर बिटकॉइन के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात होगी। जो मैं कह रहा हूं उसको आप लिख लीजिएगा। देखिए यह जो कैंडल अपने को देखने को मिल रही है, यदि यह कैंडल इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद में लेवल से ऊपर यह लेवल आता है $34,000 के आसपास, यहां पर देखिएगा इस लेवल के आसपास क्लोज होती है, यानी कि लगभग $34,000 से ऊपर क्लोज होती है। तो फ्रेंड्स ऐसे में यह एक बहुत पॉजिटिव बात होने वाली है, सबसे पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको यहां पर मार्केट में ट्रेड
कब लेना है, आपको यहां पर वेट करना है। और यदि वन डे के टाइम फ्रेम पर अब कोई भी कैंडल यहां पर इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से ऊपर और उसी के साथ में $32,300 से ऊपर क्लोज होती है, तो फ्रेंड्स ऐसे में यहां से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर फिर से एक अच्छा मूव आप देखो देखने को मिल सकता है, और वहां से ही अपने को लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है अल्ट के अंदर और बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन को वन वीक के टाइम फ्रेम पर जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है वो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मिल रहा है, तो इसको यहां पर ब्रेकआउट करना जरूरी है, और जो मैंने आपको बताया है ऐसा होना भी जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि यह जो कैंडल क्लोज हुई है वो यहां पर कुछ अच्छी तरह से मार्केट को डिफाइन नहीं करती है, तो इसलिए आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है, और वो इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आप यहां पर अभी प्रेजेंट टाइम पर ग्रीन कैंडल देख रहे हैं वन वीक के टाइम फ्रेम पर, वह फ्रेंड्स अपने को कुछ इस तरह से देखने को मिल सकती है। बस याद ये रखिए कि यह लेवल बिटकॉइन के लिए बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, जब से बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल के आसपास आई है, और यह लेवल है $28,600 के आसपास का। और अगर बिटकॉइन के लिए वन वीक के टाइम फ्रेम पर इस जोन के अंदर कोई कैंडल क्लोज होती है तो ऐसे में यह बहुत अच्छा खासा मूव दिला सकती है बिटकॉइन में। अब यहां पर शॉर्ट टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है उसको लेकर बात करते हैं। फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम पर यह बिटकॉइन का 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, और मैंने बिटकॉइन के अंदर यह पंप आने से पहले ही कल रात को आपको टेलीग्राम के अंदर अपडेट किया था कि यहां पर बिटकॉइन के अंदर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने को एक बियरिश प्राइस चैनल देखने को मिल रहा है, तो आपको अलर्ट रहना है। और फ्रेंड्स यहां पर देखिए जैसे इस प्राइस चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर कितना अच्छा खासा पंप देखने को मिला है। अब देखिए यहां पर एक लेवल आता है लगभग $31,400 के आसपास, और फ्रेंड्स एक लेवल आता है यहां पर अपने पास में $32,000 के आसपास। तो फ्रेंड्स ये जो रेंज आपको देखने को मिल रही है इस रेंज को शॉर्ट टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन को ब्रेकआउट करने की जरूरत है। अगर बिटकॉइन इससे ब्रेकआउट कर देता है तो बहुत जल्दी बिटकॉइन की प्राइस आपको $32,000 से ऊपर देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखें कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन को जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा वो $31,400 से लेकर $32,400 के आसपास देखने को मिलेगा, तो अभी अपने को वेट करना है कि यहां पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस तरह से बिटकॉइन का मूव देखने को मिलने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स उससे के साथ में 14 और 15 जून बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहां पर 10 जून को मई के लिए CPI का डाटा आउट होने वाला है, और यह डाटा सीधा बाजार की अपडेट देगा फेड को, और उसके बाद में फेड की यहां पर 14 और 15 तारीख को मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में यहां पर इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती है, तो आपको इसके लिए भी तैयार होना है, बहुत ज्यादा बुलिश होने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।